हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में हम सेंसस 2011 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले, क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जिनको हम जान लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। टू थाउजेंड इलेवन का जो सेंसस है ये 15th नेशनल सेंसस था जो कि सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है। तो अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि सेंसस जो है उसे कौन कंडक्ट कराता है, तो सेंसस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। मिस्टर चंद्रमौली जो कि कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल थे 2011 सेंसस के। 2011 इंडियन नेशनल सेंसस जो है ये दो फेजेस में कराया गया था, मतलब पहला फेज था इसका जिसमें हाउस की लिस्टिंग करी थी और दूसरे फेज में पॉपुलेशन के बारे में। ये जो सर्वे है इसने 28 स्टेट्स को कवर किया था उस टाइम पे, 7 यूटीज जिसमें 640 डिस्ट्रिक्ट्स, 497 सिटीज, 5767 तहसील्स और 600,000 विलेजेस। तो इन सबका सर्वे किया गया था और इस सेंसस का मोटो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या थी 2011 सेंसस की, 2200 करोड़ रुपए। और पहला सेंसस जो है वो 1872 में हुआ था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे मेयो। पहला सक्सेसफुल सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था और उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे रिपन। 2001 से लेके 2011 जो है वो पहली ऐसी डिकेड थी जिसमें कम पॉपुलेशन थी एज कंपेयर टू, मतलब जो पुराने जितने भी सेंसस हुए थे ना उस उन सबसे कंपेयर करें तो ये थोड़ी कम पॉपुलेशन थी इसमें। टोटल पॉपुलेशन का नंबर आप देख सकते हैं, मेल पॉपुलेशन थी 51.54%, फीमेल पॉपुलेशन 48.46%। अभी तक कोई नया सेंसस हुआ नहीं है तो इसके ऊपर ही सब डिस्कस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कि हमने पहले भी देखा 640। टोटल लिटरेसी रेट वाज 74%। उस लिटरेसी रेट में मेल्स लिटरेसी रेट जो था वो 82.10% था और फीमेल लिटरेसी रेट था 65.50%। पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर थी 382 पीपल और सेक्स रेशियो अगर हम देखें तो 943 फीमेल्स फॉर 1000 मेल्स, मतलब 1000 मेल्स पे 943 फीमेल्स थी। चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर देखें मतलब 6 साल तक तो 919 फीमेल्स थी 1000 मेल्स पे। पॉपुलेशन डेंसिटी भी देख सकते हैं, देख चुके हैं, लिटरेसी रेट वॉज देख चुके हैं। और स्टेट जिसकी हाइएस्ट पॉपुलेशन थी वो थी यूपी विद दिस नंबर ऑफ पीपल। लीस्ट पॉपुलर स्टेट कौन सी है, तो वो है सिक्किम और ये नंबर आप देख सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आए तो ऑप्शंस होते हैं तो उससे आराम से एलिमिनेट किया जा सकता है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जिस स्टेट की है वो है बिहार, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज अरुणाचल प्रदेश और थाने जो है ये मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट थी उस टाइम पे जिसमें 1.1 करोड़ पॉपुलेशन थी। और दिबांग वैली जो कि अरुणाचल प्रदेश में है ये लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट थी विद पॉपुलेशन ऑफ, मतलब जहां पे पॉपुलेशन थी 7948। ये मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोस देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पे है मुंबई, फिर दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर। लिटरेट स्टेट्स में देखेंगे तो सबसे पहले है केरला, फिर लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। सेक्स रेशियो में देखेंगे तो टॉप पे है केरला, देन पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है जिनपे क्वेश्चंस बनते हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट थाने महाराष्ट्र की, लीस्ट पॉपुलेटेड इज दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ अगर देखें तो कुरुंग कुमे जो अरुणाचल प्रदेश की एक जगह है जहां पे ग्रोथ रेट थी 111%। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो वो लॉन्गलैंग डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड की जहां पर ग्रोथ रेट था -58.39%। हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखें तो महे डिस्ट्रिक्ट ये पुडुचेरी की जिसमें कि 1176 फीमेल्स थी पर 1000 मेल्स पे। और लोएस्ट सेक्स रेशियो देखेंगे तो दमन डिस्ट्रिक्ट का था 533 फीमेल 1000 मेल्स पे। हाईएस्ट लिटरेसी रेट देखें तो शरचिप डिस्ट्रिक्ट जो कि मिजोरम में है और पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज है 98.76%। लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो अलीराजपुर एमपी में 37.22%। हाईएस्ट डेंसिटी देखें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की 37346 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर और वहीं लीस्ट डेंसिटी देखें तो दिबांग वैली की 1% पर स्क्वायर किलोमीटर। सिटीज के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी वॉज मुंबई महाराष्ट्र, लीस्ट पॉपुलेटेड थी
कपूरथला सिटी पंजाब में, हाईएस्ट सेक्स रेशो कोझीकोड केरला में जहाँ पे 1093 फीमेल्स थे 1000 मेल्स पे, लोएस्ट सेक्स रेशो देखे तो भिवंडी सिटी जो महाराष्ट्र में है वहां पे 709 फीमेल्स थी 1000 मेल्स पे, हाईएस्ट लिटरेसी रेट है एजवाल सिटी जो कि मिजोरम में है, परसेंटेज इज 98.76%, लीस्ट लिटरेट सिटी इज संबल यूपी में 48%। लैंग्वेज डेमोग्राफिक्स देख लेते हैं। सो 2011 के सेंसस में 57.1% इंडियन पॉपुलेशन जो है उनको हिंदी आती थी, जिसमें की 43.63% इंडियन पीपल जो है उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि हिंदी उनकी नेटिव लैंग्वेज या फिर मदर टंग है। भील जो है ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है अनस्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस में, जिसमें कि 10.4 मिलियन लोग इसे बोलते हैं, और इसके बाद सेकेंड नंबर पे है गोंडी जिसको 2.9 मिलियन स्पीकर्स बोलते हैं। 96.7% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 22 जो स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा उसमें से कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो बोलती है एज देयर मदर टंग, मतलब उनकी मातृभाषा है वो, जो कि 2011 के सेंसस में हमें पता चला था। अगर टॉप 4 हाईली डेंस स्टेट्स की बात करें तो उसमें है बिहार 1006 पॉपुलेशन को लेके, फिर है वेस्ट बंगाल 1028, केरला 860, उत्तर प्रदेश 829। अगर टॉप 5 हाईली डेंस यूटीज की बात करें तो दिल्ली है 11320, चंडीगढ़ है 9258, पुडुचेरी है 2547, दमन एंड दीव 2191, लक्षद्वीप 2149। तो कभी कभी मतलब ऐसे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में, तो इसको आप ध्यान रखना। लोएस्ट सेक्स रेशियो अगर बात करें टॉप 5 स्टेट्स में तो पहले है दमन दीव 618 पे, फिर है दादरा नगर हवेली 774 पे, चंडीगढ़ है 818 और दिल्ली है 868, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है 876 पे। तो अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने ली है उसके बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज हैं तो उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2011 के सेंसस के मुताबिक कौन सी इनमें से ऑप्शंस में से कौन सी सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, और ऑप्शंस है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, और इसका आंसर है महाराष्ट्र। तो इन चारों में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन टू द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इन इंडिया एज पर द प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल्स ऑफ सेंसस 2011। तो क्वेश्चन में ही पूछा है कि रूरल चाइल्ड पॉपुलेशन और टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन, टोटल में रूरल और अर्बन दोनों आ जाएंगे, रूरल और टोटल का जो परसेंटेज है वो क्या है। तो ऑप्शन है 79.03%, 62.45%, 74.05%, 55.23%, और इसका आंसर है 74.05%। हमारा क्वेश्चन है एज पर द सेंसस ऑफ 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी हैज लिटरेसी रेट ऑफ मोर देन 90%। इनमें से कौन सी स्टेट और यूटी का लिटरेसी रेट जो है वो 90% से ज्यादा है। ऑप्शन है राजस्थान, गोवा, त्रिपुरा और मिजोरम, और इसका आंसर है मिजोरम। तो मिजोरम है इन सब में से जिसका लिटरेसी रेट 90% से ज्यादा है। What was the estimated national mortality rate of children under the age of 5 in the country as per the census of 2011? तो national mortality rate क्या था बच्चों का under, मतलब 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनका census के according। Options है 34, 13, 55 and 76, और इसका answer है 55। हमारा अगला question है according to census of 2011 कौन सी state जो है उसकी population density 17% पर स्क्वायर किलोमीटर की है। तो 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में कौन सी स्टेट में रहते थे, नागालैंड, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट है इन सब में जिसकी हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है पर किलोमीटर स्क्वायर, ये ऊपर आएगा इसे पर किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन है महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात एंड गोवा, और इसका आंसर है झारखंड। हमारा क्वेश्चन है विच स्टेट इन इंडिया एज पर द 2021 सेंसस हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया में कौन सी स्टेट है इन सब में से जिसकी लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ऑप्शन है उत्तराखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम,
और इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज पर सेंसस ऑफ 2011 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन टू द टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। तो किस स्टेट में जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनकी पॉपुलेशन टोटल से हाईएस्ट है? ऑप्शंस है गुजरात, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, और इसका आंसर है एमपी, मध्य प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेट लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट दिबांग वैली लोकेटेड है, कहां पर है? तो ये हम पढ़ चुके हैं, ऑप्शंस है तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है दिबांग वैली, जहां पे सबसे कम डेंस पॉपुलेटेड पॉपुलेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो? इनमें से कौन सी स्टेट का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, मणिपुर, और इसका आंसर है केरला। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस कौन सी स्टेट इंडिया में जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, छत्तीसगढ़, और इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है इन सब में। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेक्स रेशियो अप्रोक्स ऑफ इंडिया? सेक्स रेशियो इंडिया का अप्रोक्सीमेटली क्या है जो कि सेंसस में था? और इसका और इसके ऑप्शंस हैं 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 740 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 640 फीमेल्स पर 1000 मेल्स और 840 फीमेल्स पर 1000 मेल, और इसका आंसर है 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस कौन सी इंडिया की मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी है? इन सब में से कौन सी मेट्रोपॉलिटन मोस्ट पॉपुलेटेड वाली है? और इसका ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, और इसका आंसर है मुंबई। तो मुंबई जो है वो इन सब में से मोस्ट पॉपुलेटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इन सब में से किस स्टेट की 100 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा, जिसका आंसर है सिक्किम। तो सिक्किम की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है 100, मतलब 100 लोगों से भी कम लोग एक स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे सिक्किम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस विच स्टेट इज द लीस्ट पॉपुलस? तो कौन सी लीस्ट पॉपुलर स्टेट है कंट्री में? ऑप्शन है झारखंड, सिक्किम, असम और बिहार, और इसका आंसर है सिक्किम। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया? ऑप्शन है हिंदी, मराठी, इंग्लिश और तेलुगु। मतलब क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी, और इसका आंसर है हिंदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्टेट जिसका लोएस्ट लिटरेसी रेट है? और इसके ऑप्शंस है केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, और इसका आंसर है बिहार। तो बिहार का लोएस्ट लिटरेसी रेट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी जिसकी लोएस्ट पॉपुलेशन है, वो है दमन एंड दीव, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, और इसका आंसर है लक्षद्वीप। तो सेंसस के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप की लोएस्ट पॉपुलेशन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज कंडक्टेड इन? तो पहला सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया का कब हुआ था? 1956, 1953, 1951, 1948, और इसका आंसर है 1951। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया अमंग ऑल द स्टेट्स और यूटीज केरला ऑक्यूपाइड विच पोजीशन लिटरेसी में? तो केरला की कौन सी पोजीशन थी लिटरेसी में? ऑप्शन है फिफ्थ पोजीशन, थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन, और इसका आंसर है फर्स्ट पोजीशन, जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया? इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? 372 पर स्क्वायर किलोमीटर,
382 पर स्क्वायर किलोमीटर, 352 पर स्क्वायर किलोमीटर, 362 पर स्क्वायर किलोमीटर, और इसका आंसर है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। और लास्ट क्वेश्चन है कि टोटल फॉरेस्ट कवर एज पर द 2011 सेंसस वो कितना है, 17.80%, 23.42%, 21.05%, 22.07%, और इसका आंसर है 21.05%। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, वील मीट इन द नेक्स्ट वन।